एनिमल वालों ने काफी ज्यादा तरीके की हाइप क्रिएट करके रखी हुई है, और ये जो हाइप क्रिएट करी है उसके ऊपर से एक और उन्होंने पैंतरा फेंक दिया। ये यूजली एमसीयू और डीसीयू करता था, और एमसीयू तो इसका स्पेशलिस्ट है। इसका नाम है पोस्ट क्रेडिट सीन। अब ये जो मूवी है इसके दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो ये जो हम काफी देर से डिस्कस ही कर रहे हैं, इसका एडवांस बुकिंग इतना सॉलिड हो चुका है, इतना सॉलिड हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि ये 60 करोड़ प्लस का ओपनिंग लेगा। 60 करोड़ प्लस का ओपनिंग, यानी कि जो पठान है उसका रिकॉर्ड तो टूटेगा ही टूटेगा। और साथ ही साथ के अंदर जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है जवान। जवान का 65 करोड़ रुपीज का था, जो कि हिंदी बेल्ट का था, और ओवरऑल लेवल पे सारी लैंग्वेजेस मिला के 75 करोड़ रुपीज का था। ये क्या कल करेगी कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब जवान भी रिलीज हुई थी तो उसके जो एस्टिमेट थे वो 60 करोड़ वाले थे, गए 75 करोड़ तक, और 120 करोड़ रुपीज प्लस उसने कर लिया था डे वन के अंदर ही। इसका भी कुछ बड़ा ही नंबर एक्सपेक्टेड आप है लोगों के थ्रू। और ये जो उसने ऊपर डाल दिया है, ये अभी अभी पोस्ट आया है, अगर आप एनिमल का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फिर एक्स हैंडल जो भी आप मान के चले उसको कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला डोंट मिस द पोस्ट क्रेडिट सीन जो ऊपर लिखा हुआ है, और एनिमल का उन्होंने बुलेट्स के साथ जो उनका लोगो है वो डाला है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर क्या होने वाला है? पोस्ट क्रेडिट सीन का हमेशा से मतलब सिर्फ एक इंडिकेशन ही होता है, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन का मतलब एनिमल 2। एनिमल 2 का मतलब क्या है? मोस्ट प्रॉबली रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो जो भी दुश्मन होंगे इंक्लूडिंग बॉबी, तो उनका थैंक यू वेरी मच कर देगा। बट ये जो वॉर बिटवीन बिजनेसेस या फिर फैमिलीज जो भी ये दिखाया जा रहा है वो अंत नहीं होने वाला है। अगर अंत नहीं होने वाला तो क्या होगा? प्रारंभ होगा एक और वर्जन का। तो ये तभी डाला गया, ये सोच समझ के डाला गया, या आप उनके हैंडल्स पे जाके देखोगे तो ये जो क्रिएटिव है ये उनके द्वारा डाला गया है। बहुत क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि एनिमल 2 भी आने वाली है, रणबीर कपूर के साथ ही आएगी, क्योंकि वही सबसे बड़ा एनिमल है नेक्स्ट टाइम। और कौन विलन होगा जो बॉबी देओल से भी बड़ा ज़्यादा खतरनाक होगा? लेट्स सी। बाकी कल जब मैं मूवी देख के आऊँगा तो अपना रिएक्शन ज़रूर शेयर करूंगा। इन्होंने एक्साइटमेंट लेवल इतनी बना के रखी हुई थी, अब एक और पैंतरा इन्होंने फेंका है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये एनिमल 2 के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। और कल बम्पर ओपनिंग के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो उसका इंडिकेशन भी सिर्फ एक ही है कि इसको सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं बचा सकता। ये क्या करेगी? 500-700 करोड़ पक्का करेगी अगर ये ऐसा ही चलता रहा, और तेलुगु मार्केट के अंदर तो ये धमाल मचाने वाली है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी वहाँ से आ रहा है। जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड इफ यू लाइकिंग दिस कंटेंट। सिर्फ एक हार्ट या थम्सअप बना दो कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।